hello friends welcome back to the backbenchers concept so today we are going to study about our previous topic which is determination of water content of soil so please watch the full video and if you like the video give it a thumbs up and if you are new to our channel don't forget to subscribe and hit the bell icon you can also download the notes pdf link is in the description so let's start the video so determination of water content of soil we are going to start with the oven drying method so ओवन ड्राइंग मैथड एक सबसे सिंपलेस्ट एंड कॉमन मेथड है एंड इट इज़ दी मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी मेथड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इट इज़ अ मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी मेथड तो हम इसे परफॉर्म कैसे करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है चलिए देखते हैं तो इसमें हमें चाहिए होती है सबसे पहले दो चीज़ें जो कि ए, एक हमारा वेट सॉइल सैंपल होता है और दूसरा होता है हमारे पास माइक्रोवेव ओवन जो होता है ठीक है तो हमारे पास जो सॉइल सैंपल है हम उसे वेट करेंगे और उसे नाम दे देंगे हम हमारा डब्ल्यू वन फिर हम क्या करेंगे जो हमारा सॉइल सैंपल है उसे हम उठा के हमारे ओवन में रख देंगे और इसे 24 फोर आवर्स तक 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे गर्म होने देंगे 24 फोर आवर्स तक तो अब हमारे पास दो सोइल सैंपल आ चुके हैं पहला जो है हमारा वो है W1 जो कि है वेट सॉयल सैंपल और दूसरा है हमारे पास W2 जिसे हम वेट कर लेंगे ठीक है तो ये हो जाएगा हमारे पास ड्राई सॉयल सैंपल ड्राई सॉयल सैंपल को हम हमारा वेट ऑफ सॉलिड कहेंगे तो अब वाटर कंटेंट के फॉर्मूले के लिए हमारे पास दो चीज़ें चाहिए होती है वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड तो हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड तो आ चुका है जो कि है डब्लू ठीक है तो अब हमें क्या निकालना है सिर्फ वेट ऑफ वाटर तो वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे अगर जब वेट सॉयल है जो वेट सॉइल में से अगर हम वेट ऑफ सॉलिड निकाल देंगे तो क्या बचेगा वेट ऑफ वाटर सिंपल है तो W1 वन माइनस हम लिख देंगे अब हमारे पास वेट ऑफ फोटो और वेट ऑफ सॉलिड दोनों आ चुके हैं सिंपली उठा के वाटर कंटेंट के फॉर्मूले में पुट करना है सिंपली कोई कैलकुलेशन नहीं है डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा W1 वन माइनस डब्ल्यू टू अपन डब्ल्यू टू तो फ्रेंड्स ये था मेथड ओवन ड्राइंग मेथड जिससे कि हम वाटर कंटेंट निकालते हैं सॉइल का नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं फ्रेंड जो कि है हमारा सैंड बाथ मैथड सैंड बाथ मैथड भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है ओवन ड्राइंग मेथड के जबकि इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि ड्राइंग मेथड जो होता है वो होता है लेबोरेटरी मेथड और सेंड मेथड जो होता है वो होता है फील्ड मेथड ठीक है अब सेंड बाथ मैथड इज़ अ क्विक मैथड बट नॉट एक्यूरेट एज एजन ड्राइंग मैथड क्योंकि फील्ड पे होता है तो एक्यूरेसी उतनी आ नहीं पाती क्योंकि इक्विपमेंट्स अपने पास उतने जो शार्प और इतने एक्यूरेट नहीं हो पाते हैं दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक साइल ऑल्सो क्यों क्योंकि इसमें क्या होता है कि अनकंट्रोलेबल हीट और टेम्परेचर जनरेट होता है जिसकी वजह से क्या होता है जो ऑर्गेनिक सॉइल के जो ऑर्गेनिक मटीरियल है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ठीक है तो ऑर्गेनिक सॉइल एक तरीके से खत्म हो जाती है तो इस वजह से हम ये ऑर्गेनिक साइल के लिए नहीं करते हैं तो अब हमारे पास जब फील्ड पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हमारा इक्विपमेंट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं तो क्या चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करेंगे और ये सैंड बात मेथड हम कंप्लीट करेंगे सो चलिए देखते हैं तो इसके लिए हमें एक ट्रे चाहिए तीन सेंटीमीटर जिसकी हाइट होती है और उसमें हम सॉइल बिछा लेते हैं उसको पूरी तीन सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर हाइट तक ठीक है उसके बाद हमें एक कंटेनर लेंगे उसका वेट करेंगे उसे हम मांग लेंगे डब्ल्यू वन फिर हम उस जो हमारा कंटेनर है उसमें हम हमारा सोयल सैंपल लेंगे जो कि एक वेट सॉइल सैंपल है तो हम यहाँ पर उसका भी वेट ले लेंगे जिसे हम कहेंगे डब्ल्यू टू अब इसे हम हीट करेंगे कैसे कुछ इस तरीके से हम इसे हीट करेंगे और इसे तब तक हीट करेंगे जब तक कि ड्राई ना हो जाए अब ड्राई कैब होगी कैसे पता चलेगा इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इस पर कुछ वाइट पेपर रखते हैं अब ये वाइट पेपर तब तक रखेंगे जब तक कि ये ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स ये कि अब जब हम इसे हीट करते हैं हमारी जो सॉइल होती है इसके अंदर वेट सॉइल है उसको हीट तब मतलब जैसे करेंगे कि इसको स्टिर करते हुए स्टिर मतलब हिलाते हुए इसको हीट करेंगे जिससे क्या ये हर तरीके से हर जो इसका सॉलिड पार्टिकल है सब तरीके से ये इक्वली हीट हो और पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तो फ्रेंड जैसे ये ड्राई हो जाती है हम इसे निकाल लेंगे और इसका वेट ले लेंगे अब ये वेट जो हमारे पास आएगा उसे हम नाम देंगे डब्लू थ्री अब देखो हमारे पास यहाँ पर तीन वेट आ चुके हैं डब्लू वन जो है वो है एम्प्टी कंटेनर डब्लू टू कंटेनर प्लस वेट सॉयल और डब्लू थ्री हमारे पास है कंटेनर प्लस ड्राई सॉयल वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड वेट ऑफ वाटर निकालना है वेट ऑफ वाटर क्या होगा जो हमारा W2 था W2 में क्या था कंटेनर का वेट प्लस वेट सॉयल का वेट माइनस W3 कर देंगे जिसमें कंटेनर का वेट और सॉलिड जो वेट uh, सॉलिड्स uh, होते हैं उनका वेट ड्राई सॉयल का वेट तो वेट ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड के लिए हम क्या करेंगे W3 जिसमें सिर्फ ड्राई सॉयल थी जो सॉलिड्स थे उसमें से हम कंटेनर का वेट माइनस कर देंगे मतलब W3 थ्री माइनस डब्ल्यू तो हमारे पास ड्राई सॉयल का वेट आ गया वापस से वही फॉर्मूले में उठा के पुट करेंगे ये हमारे पास मेन फॉर्मूला आ गया डब्लू टू माइनस डब्लू थ्री अपन डब्ल्यू थ्री माइनस डब्लू वन तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने दोनों हमारे जो मेथड uh, है वो हमने कंप्लीट कर ली है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट हो या सजेशन देना हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड शेयर ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो को कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग बाय बाय